हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज, ये मॉर्निंग का टाइम है और मैं यहाँ पर कर रही हूँ लंच की तैयारी, क्योंकि मैंने नाश्ता तो हम लोगों ने कर लिया था। तो गाइज, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप व्लॉग में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से मैं अपने घर में छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखती हूँ, जिससे कि इजीली चीज़ें मिल जाती हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बहुत ही ज़्यादा परेशान करती हैं, जो टाइम से नहीं मिल पाती हैं। तो गाइज, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है ये और पूरा आप ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने लंच में बनाई है परवल की सब्ज़ी, जिसमें टाइम लगता है काटने में, क्योंकि जो परवल की सब्ज़ी होती है ना, उसके जो बीज होते हैं बीच में जो परवल के, उसे मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि उसमें तो उससे ना थोड़ा कड़वापन आ जाता है, तो इसीलिए उसे काटने में टाइम लगता है। तो इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा प्याज डाली है, टमाटर डाले हैं और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने बनाया है। और जब हल्की सी भून गई थी प्याज, तो मैंने इसे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, टमाटर डाल दिया और उसमें सारे बेसिक मसाले डाल दिए, और मसाला मैंने भुनने के लिए छोड़ दिया था ढकने के बाद, ढक के फिर इतनी देर में मसाला भुन रहा था, तो इतनी देर में मैं बना लूँगी रायता। तो रायता मैं ज़्यादा पुरानी दही का नहीं बनाती हूँ, एक दिन या दो दिन पुरानी दही का ही बनाती हूँ। और गाइस, जब से हम दिल्ली में शिफ्ट हुए हैं ना, बिल्कुल भी जैसे कभी होता है कि हम लोग दही जमाना भूल जाते हैं, तो मार्केट से दही लेकर आती हूँ ना, मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं आती मार्केट की दही, क्योंकि कुछ मतलब वो बात नहीं रहती है। जैसे हम लोग दही घर में जमाते हैं ना, वो बात आती नहीं है। तो यहाँ पर पैकेट का दूध और पैकेट की जो है दही मिलती है, और जब हम मेरठ में रहते थे ना, तो एकदम फ्रेश दूध मिलता था भैंस का निकला हुआ, और जो है दही भी एकदम फ्रेश जमी हुई मिलती थी, मतलब मज़ा आ जाता था। जैसे गांव में नहीं मिलता है इस तरीके से दही और दूध मिलता था हमें मेरठ में। तो बस ये है कि जहाँ पर रहते हैं उसी की आदत पड़ जाती है, और हम लोगों को अब आदत पड़ गई है पैकेट के दूध की। तो यहाँ पर मैंने जो है रायते में मैंने सिंपल नमक डाला है, क्योंकि काला नमक इस टाइम ख़त्म हुआ हो रखा था, क्योंकि ऑनलाइन सामान में मैंने ऑर्डर तो किया है, वो आने ही वाला होगा आज। और रायते में मैंने भुना हुआ जीरे का पाउडर डाला है, और इसमें मैंने पुदीने का भी पाउडर डाला है। तो देखिए गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ माउस, और ये तीन चार दिन से ना मुझे बहुत परेशान कर रहा था, ये रैक में घुस घुस के ना सारी चीज़ें खा रहा था। ये देखिए, तीन चार दिन के बाद आया है ये माउस टैपर में, और तीन चार दिन से मैं लगा रही थी, ये माउस टैपर आ ही नहीं रहा था। अब आजाद होने जा रहा है ये, है भीगे हुए बादाम खा के हेल्थ बना ली इसने। ले जाओ भी इसे। तो गाइज, ये ना चार पांच दिन से हमारे घर में ही था, और जब मैं मॉर्निंग में उठती थी ना, तो किचन में जाती थी, तो मुझे पता लग जाता था कि कहाँ कहाँ चूहे ने किचन में वॉक करी है। तो पूरे मज़े लिए हैं, पूरी जो है यहाँ पर जो है पार्टी चली है हमारे यहाँ उसकी। तो यहाँ पर मैंने अपने बेटे को बोल दिया कि उसे बाहर जाके उसे छोड़ आओ, आज़ाद कराओ। इतना खुश हुआ ना वो, उछल उछल के वो जंप कर करके भागा है कि उसे पता नहीं क्या मिल गया। तो कहते हैं ना कि जानवर हो चाहे पक्षी, उन्हें बिल्कुल भी कैद नहीं करना चाहिए। तो जब माउस ट्रैपर में आया ना ये, तो मैं उसे फटाफट से मैंने बेटे को बोला कि इसे छोड़ आओ, क्योंकि परेशान होता है ना तो देखा नहीं जाता, जो भी जानवर होता है पक्षी होता है, तो उन्हें हमेशा कभी भी ना कैद करके नहीं रखना चाहिए, उन्हें भी आज़ादी पसंद है। तो इसीलिए मैं तुरंत ही मैंने छुड़वा दिया था बेटे से। तो गाइस, यहाँ पर सब्जी और आटा लगाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन की रैक साफ़ करने के लिए, क्योंकि माउस ने ना उस रैक को भी जो है बेकार ही कर दिया था। तो उस रैक को साफ़ करने के बाद अब यहाँ पर मैंने बर्तन की बास्केट भी मैंने साफ़ कर दी है। तो इस तरीके से मैं जो है एकदम काम नहीं फैलाती हूँ, क्योंकि कभी मैंने जो है कुछ साफ़ कर लिया किचन का, कभी कुछ साफ़ कर लिया, और आज मुझे बास्केट थोड़ा गंदी लग रही थी, तो आज मैंने बास्केट साफ़ कर ली। तो सारी चीज़ें एक साथ कभी साफ़ करने नहीं बैठती हूँ, और इस तरीके से जो है थोड़ा थोड़ा करके डेली हम किचन का करेंगे ना, पहले मैं पूरी नज़र मार लेती हूँ कि आज क्या साफ़ करना है किचन का।
तो उसी तरीके से जो है मैं एक एक चीज़ करके एक एक चीज़ साफ़ करती रहती हूँ। तो क्योंकि किचन भी गंदी भी बहुत जल्दी हो जाती है, तो इस तरीके से हम किचन के काम को मैनेज करेंगे ना तो हमारी किचन हमेशा साफ़ रहेगी। और कभी कुछ साफ़ कर लिया, आज बास्केट कर ली तो कभी कल कुछ और साफ़ कर लिया। तो गाइज़ ये इवनिंग का टाइम है, शाम का टाइम, और यहाँ मैं ऊपर से लेके आई हूँ कपड़े जो कि सूख चुके थे, क्योंकि बालकनी में ना सारे कपड़े नहीं सूख पाते हैं। तो मैं छत से कपड़े लेके आई, और अब इन्हें मैं किस तरीके से जो अंडर गारमेंट्स होते हैं, हैंकी होते हैं, और किस तरीके से मैं ऑर्गेनाइज रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कपड़ों की सारी जो क्लिप है ना वो बालकनी में रखाई थी, और यहाँ पर मैं जो है सारे, सबसे पहले जो हस्बैंड तो खैर डेली लेके जाते हैं, बेटा भी मेरा डेली हैंकी लेके जाता है, तो यहाँ पर सारे हैंकी मैंने फोल्ड कर दिए हैं। तो गाइज ये आपको ना थोड़ा ये धुंधला दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इस टाइम ना मेरा फ़ोन थोड़ा ख़राब हो गया था, तो थोड़ा ब्लर दिखाई दे रही होगी आपको ये पिक्चर। तो यहाँ पर मैंने जो है एक ये वाली हैंकी की किट मैंने परचेज़ की है, जो कि मार्केट में इजीली मिल जाती है। और इस किट में अगर अच्छी तरीके से हम फोल्ड करके रखेंगे ना हैंकी को, और जब निकालते हैं यूज़ करने के लिए, तो ऐसा लगता है कि जो है प्रेस करी हुई हैंकी है। तो इस एक मैंने हस्बैंड के लिए ले रखी है किट, ये उसमें हस्बैंड के ही हैंकी रहते हैं, एक मैंने अपने और बेटे के लिए ले रखी है। तो इस तरीके से अगर हैंकी हम किट में रखेंगे ना, हैंकी किट में, तो बहुत ही इजी रहता है, आराम से मिल जाते हैं हैंकी। और बिल्कुल भी जो सरवट होती है ना, जो होती है, कई बार ऐसा होता है ना कि अच्छी तरह से हैंकी को नहीं रखो तो सरवट पड़ जाती है, तो वो भी सरवट नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर मैं आपसे एक और चीज़ शेयर करने वाली हूँ कि चार्जर और जो जितने भी फ़ोन होते हैं, चार्जर भी उतने ही होते हैं घर में, तो बहुत ही अनटाइडी लगता है कि चार्जर जगह जगह टेबल पे रखे होते हैं, या फिर बिजली के बोर्ड में लगे हुए छोड़ देते हैं हम लोग, और तार भी निकले हुए हैं, तो अजीब सा लगता है। तो इस तरीके से मैंने एक बड़ी सी बास्केट बना रखी है चार्जर के लिए, और जहाँ पर चार्ज होते हैं ना फ़ोन, वहीं पर मैंने बास्केट रखी हुई है, जो कि ईजीली अपना फ़ोन चार्ज करो, फोल्ड करके चार्जर को वहीं पर रख दो बास्केट में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत ही जो है ऑर्गेनाइज रहती हैं चीज़ें, और इजीली मिल भी जाती हैं। तो ये अब मैं आ गई हूँ अंडर गारमेंट्स और बाकी कपड़े फोल्ड करने के लिए। तो अब मैं आपसे शेयर करूँगी कि किस तरीके से अंडर गारमेंट्स और सॉक्स को मैं ऑर्गेनाइज रखती हूँ। और जो ये पता है, ये बहुत ही छोटी चीज़ लगती हैं, लेकिन इतनी काम की होती हैं एक हाउसवाइफ के लिए, क्योंकि मॉर्निंग में ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कई बार सभी के घर में होता है, पहले मेरे साथ भी ऐसा होता था। लेकिन जो इस तरीके से देखिए, कई बार ऐसा होता है कि पेयर नहीं मिल पाता है सॉक्स का, तो इस तरीके से फोल्ड करेंगे ना तो कभी पेयर अलग होगा ही नहीं, हमेशा दोनों सॉक्स जो हैं एक साथ ही रहेंगे। तो एक बार और मैं आपको फोल्ड करके दिखाती हूँ। तो इस तरीके से, और बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है, बहुत ही इजीली हो जाते हैं, बस थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग दोनों ही सॉक्स इस तरीके से जल्दबाजी के चक्कर में रख देते हैं, लेकिन उस टाइम पे रख तो देते हैं लेकिन मिलता नहीं है। तो अब थोड़ा सा हम दिमाग लगाते हैं ना, थोड़ा सा हम हाउसवाइफ अगर दिमाग लगाएंगे ना, तो बहुत ही हमारी घर की सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती हैं, और हमारा मन भी खुश रहता है कि जो है फटाफट से चीज़ें मिल जाती हैं, और घर भी जो है साफ़ सुथरा लगता है। तो ये मैंने तीन मैंने बास्केट ले रखी हैं मार्केट में, हमारे यहाँ इजीली मिल जाती हैं, और आपके यहाँ भी मिल जाएंगी इजीली, और कुछ नहीं तो आपको आपके जो स्ट्रीट मार्केट लगता है वहाँ पर इजीली मिल जाएंगी। और 10 रुपीज़ की है, 20 रुपीज़ की बास्केट है ये। तो यहाँ पर मैंने एक बास्केट मैंने सॉक्स के लिए बनाई हुई है, एक बास्केट मैंने उसके लिए अंडर गारमेंट्स के लिए बनाई हुई है, दो बास्केट बनाई है मैंने अंडर गारमेंट्स के लिए, एक मेरे लिए अपने लिए हैं और एक बेटे
और हस्बैंड के लिए मैंने बना रखी हैं। तो इससे ना मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि जब बेटा स्कूल जाता है, हस्बैंड स्कूल जाते हैं, मिल नहीं पाती हैं और पूरे घर का जो ढूंढने में ना इतना दिमाग ख़राब होता है कि घर का माहौल ही ख़राब हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना घर में खुशियाँ भी लाती हैं और जो है माइंड भी सही रहता है, घर भी नीट एंड क्लीन रहता है। तो गाइज़ इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये दोनों बास्केट मैंने एक ही जगह रखी हुई हैं क्योंकि ये डेली ज़रूरत पड़ती है अंडरगारमेंट्स और सॉक्स की। तो यहाँ पर मैं आपसे दूसरी टिप शेयर करने वाली हूँ कि ये जो है जिससे मैंने मंदिर डेकोरेट किया था जन्माष्टमी पे, वो माला मैंने वॉश करके रखी हुई थी और इनको भी किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करूँगी कि ताकि ये गंदी नहीं होंगी। तो ये मैंने जो है कपड़े हम परचेज़ करते हैं वहाँ से पॉलीथीन में कपड़े आते हैं तो ये पॉलीथीन में फेंकती नहीं है, बहुत ही काम की पॉलीथीन होती है। तो अच्छी तरीके से फोल्ड करके मैंने सारी जो है मालाएँ मैंने इसमें रख दी हैं और हमेशा स्टेपलर रखती हूँ मैं घर में ताकि अच्छे से पैक हो जाए। तो इस तरीके से मैं वूलन कपड़े भी रखती हूँ और पैक करके तो गंदे नहीं होते, ऑर्गेनाइज भी रहती हैं सारी चीज़ें। तो अभी इन्हें बेड में रख दूंगी मैं और अभी ये काम आएंगी नवरात्र में मंदिर को सजाने के लिए। तो गाइज यहीं पे मैं व्लॉग का एंड करती हूँ और आई होप आज का व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल व्लॉग है ये। तो व्लॉग को शेयर ज़रूर करिएगा अपने फैमिली मेम्बर फ्रेंड्स के साथ और लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, और चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो गाइज मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल व्लॉग के साथ। टेक केयर, बाय बाय।